जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बाल्कन रेस्टोरेंट, मैंने आपको नाम बताया, यहाँ पर एक्चुअली बाल्कन कंट्रीज़ के लोग बहुत भरे पड़े हैं, सर्बिया, अल्बेनिया। ये दूसरी ट्रेन से अब जाएंगे क्योंकि वो ट्रेन तो पीछे छूट गई। Of course, I missed you guys. I thought that you would come in the evening. No, we want to see Oslo. Ah, lovely. बस आ चुके हैं हमारी और हम लार्विक सिटी यहाँ से निकल रहे हैं. See what Slovenia has to offer to an Indian. Slavutovic. How do you say that? Palinkovic. Palinkovic. Is it palinka from Romania? No. It's way more. One drop or the whole bottle? Don't do the whole just, bottle. Yeah, don't worry. It's bitter as fuck. When I was kid, I used to drink a syrup called Bikosul. Just like that. Good morning. नॉर्वे का एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज नॉर्वे मेरा अंतिम दिन है इस जगह पर जहाँ पर मैं ठहरा था, स्वारस्ताद। मेरा पिछले 10 दिनों के लिए यही घर था। आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है बिकॉज मेरा अगले 1.5 घंटे में एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बाद हम लोग तुरंत निकलने वाले हैं। ये लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं। देखिए, हमारा सारा पैकिंग वगैरह भी चल रहा था और जितने हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह है और भी बाकी चीज़ हम बाहर निकाल करके रख रहे हैं। मैं एग्ज़ाम के लिए अभी भी यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहा था। एग्ज़ाम मेरी 10:30 से स्टार्ट होगी। यहाँ से मैं जाऊँगा लार्विक स्टेशन। मेरी जो फ़्लाइट है वो दूसरे एयरपोर्ट से है बिकॉज ओस्लो में 2 एयरपोर्ट हैं। तो जिस एयरपोर्ट पे लैंड किया था वहाँ से मेरी फ़्लाइट नहीं है, एक दूसरे वाली एयरपोर्ट से जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ से हम करीब निकलेंगे 12 बजे। 12 बजे हमें चेकआउट करना है इस अकोमोडेशन से। इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम था तो उसके चलते मैं थोड़ा एंक्शियस हूँ कि अगर एग्ज़ाम में दिक्कत होगी तो फिर क्या है, और फिर बहुत ज़्यादा रश भी हो जाएगा क्योंकि ये हमारे लिए वेट कर रहे हैं, बहुत लोगों की फ़्लाइट भी है। देखते हैं दिन हमारा कैसे गुजरता है, लेकिन आप हमारे व्लॉग के साथ बने रहिए, आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। मैं भी लिविंग रूम से अपना सामान वगैरह लेकर के यहाँ अपने रूम में ला करके रखा हूँ क्योंकि आवाज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। अभी मैं यहीं पर बैठ करके एग्ज़ाम 10:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 12 बजे तक तो खत्म हो जाना चाहिए। ओरल एग्ज़ाम है इटली में, जो है सो ओरल एग्ज़ाम होता है, जो हम वाइवा कहते हैं इंडिया में, वही चीज़ है। हमारे जो को फैसिलिटेटर थे उनका सारा कुछ सामान वगैरह यहाँ पर रखा है, सारे लोग रेडी हैं ऑलमोस्ट। वेदर देखिए कैसा हो रखा है, अभी भी आज भी बादल किए हुए हैं। आप मेरे व्लॉग के साथ बने रहिएगा, आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। 2 hours later फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मेरा, अब चलते हैं। पैकिंग वगैरह हमारा सारा कुछ हो ही चुका है और लोग वहाँ पर भी कार में सारा सामान अपना लोड करने लगे हैं। ये काफ़ी स्ट्रेसिंग था यार, मतलब इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ कि इंटरनेट कनेक्शन भी इतना बुरा, ऊपर से लोग रूम में आ जा रहे थे तो थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्टेड था। लेकिन चलिए अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है तो अब थोड़ी राहत वाली सांस ले सकता हूँ मैं, और सामान अपना सारा कुछ पैक वगैरह है ही। ओस्लो से मैं फ्लाई कर रहा हूँ पोलैंड, तो आज रात का मेरा शेड्यूल होगा वो पोलैंड तक का होगा। पोलैंड में मुझे पूरा रात और कल का दिन बिताना है, मैंने ऑलरेडी अकोमोडेशन बुक कर लिया है, और फिर पोलैंड से मैं निकलूंगा वापस इटली कल शाम को। बोलोनिया की फ्लाइट है मेरी। देखिए सारे फ्रेंड्स हमारे निकल रहे हैं धीरे धीरे। अब आर यू लीविंग नाउ? You said that you wanted to be in the camera when you look beautiful. You look beautiful every time. I don't know. Are you guys leaving? All Slovenian team, everybody? Latvian, Latvian, everybody? Okay, so I have to say goodbye. Tina, you gonna drive? Yeah. You gonna go to top? Yeah, come here later. Lovely. Okay, the leave car. Oh, we're gonna see each other in Poland. No, see you at the airport. Yeah. My seat is 33B, just in case if you wanna... Oh, okay, we'll see each other at the gate. Perfect. छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा यार, इस जगह से एक अलग ही लगाव हो गया था। सारे लोग, हम लोग 50 लोग एक साथ रहे 10 दिनों के लिए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग समय था, काफ़ी यादगार समय था। वो डिफ़िकल्ट होता है किसी भी कंट्री को छोड़ने का। खैर चलिए, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा। Let's go.
चलिए स्वार्था स्टेशन पहुंच गए हम और अब यहां से हमें बस पकड़ना है। जो हमें छोड़ने के लिए आए कार में वो शेफ थे प्रोजेक्ट के और बहुत बड़े समझिए पार्ट थे हमारे प्रोजेक्ट का और छोड़ के जाना पड़ रहा है। हिंदी हमें से ब्रावो शेप बोलने की आदत थी तो हमारा टैगलाइन बन गया प्रोजेक्ट का, सी व्हाट स्लोवेनिया हैज टू ऑफर टू एन इंडियन। हाउ डू यू से दैट? पेलिंकोवेट्स। पेलिंकोवेट्स, इज इट पालिंका फ्रॉम रोमानिया? नो 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 नो, इट्स वे वोट वन ड्रॉप और द होल बॉटल। डोंट डू, या डोंट वरी, it's bitter as fuck. When I was kid I used to drink a syrup called Bicosul. Tastes like that. Yeah, it tastes like medicine. Yeah, something like that. But yeah, how much percent of alcohol is it? 25. Not much, 25? Oh, it's just kid stuff, you know. Yeah. ये जो region मैं जहाँ पे स्वार्थाद हूँ ये लार्विक region में ही पड़ता है नॉर्वे का और ये बस स्टैंड स्वार्थाद बेदेहूस और वो बस स्टैंड वहाँ पर ये बस स्टैंड का पूरा एरिया है। ये जो सामने आप वेयर हाउस देख पा रहे हैं VY लिखा हुआ है VY, ये एक्चुअली यहाँ की नॉर्वे की नेशनल ट्रेन कंपनी है और बस कंपनी मतलब ट्रेन और बसेस आपको VY से मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्वे आते हैं और आपको ट्रेन वगैरह बुक करना है तो आप इस कंपनी से बुक कर सकते हैं। VY काफ़ी एफिशिएंट है और ये नेशनल ट्रेन सर्विस है नॉर्वे की, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है, आपको किसी भी रीजन से कहीं तक के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। स्वार्थाद सिटी का ये नज़ारा देखिए आप, पूरा बहुत प्यारा है, शांत, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ गुजर रही है। हाईवे है क्योंकि हाईवे कनेक्ट करती है इसको स्वार्थाद सिटी को लार्विक से होते हुए ओस्लो जो कि नेशनल कैपिटल है, तो हाईवेज में आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मिल जाएगी। ऑफ कोर्स आई मिस्ड यू गाइस, आई थॉट दैट यू वुड कम इन द इवनिंग। नो, आई वांट टू सी ओस्लो। हाँ, लवली लवली। तो हमारे साथ टोटल हम लोग करीब अभी 20-25 लोग हैं। बाय शेफ। बाय शेफ। 10-15-20 लोग हैं जो कि ओस्लो थॉर्प एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, सारे लोग वहीं से हम लोग फ्लाई करेंगे। तो कुछ लोगों का फ्लाइट तो पहले है, मेरा तो 10 बजे रात को है। बाकी टीम हमारे साथ फ्लाई कर रही है वो भी पोलैंड जा रही है, तो हम लोग करीब 10 लोग साथ में होंगे और 10 लोग ऑलमोस्ट फ्लाई कर जाएंगे उससे पहले। ये तीसरी ट्रिप और लास्ट ट्रिप थी, अब पूरा अकोमोडेशन स्वार्थाद का जहाँ पर हम ठहरे हुए थे वो पूरा अकोमोडेशन खाली हो चुका है और हमने ऑफिशियली चेकआउट कर दिया। थोड़ा काफ़ी सैड मोमेंट है बिकॉज लास्ट यहाँ पर जो इंसान है शेफ वो भी अब निकल रहे हैं। ब्रावो शेफ! बस आ चुकी है हमारी और हम लार्विक सिटी यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं आपको लार्विक शहर में। मेरा स्टोरेज भी नहीं बचा है अभी तो मुझे थोड़ा स्टोरेज क्लियर करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर बैठ करके और फिर आगे का रिकॉर्डिंग मैं कर पाऊँगा। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं।
इसको लारवी पहुंच गए हम. थैंक यू सर. ये सामने बस हमें छोड़ा, ये ऑपोजिट में जो आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग, यही रेलवे स्टेशन है. मेरे सारे फ्रेंड्स तो निकल जाएंगे क्योंकि बहुत लोगों का भी फ्लाइट है 3 बजे, जो कि यहाँ से लगती है आधे घंटे पहुँचने में एयरपोर्ट तक. लेकिन मेरे पास अभी समय है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा रुकता हूँ, सिटी को एक्सप्लोर करता हूँ, एक नया ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ. ये तो निकल जाएंगे, इनके इनकी ट्रेन यहाँ पर लगी है अभी फ़िलहाल. ये रही एयरपोर्ट जाने के लिए ट्रेन. अरे ये दूसरी ट्रेन से अब जाएंगे क्योंकि वो ट्रेन तो पीछे छूट गई. मैं अभी लार्विक में ही ठहरा हूँ, देखता हूँ कि क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ इस सिटी में. समंदर के किनारे है, पीछे आप पानी देख पा रहे होंगे. मैं सोच रहा था कि कोई अगर अपना एशियन टाइप का कोई अगर रेस्टोरेंट मिलता तो बहुत कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है मेरा, बहुत दिन हो गया. देखता हूँ कोई पिज्ज़ा कबाब वगैरह का कोई स्टोर, जो कि बहुत रेयर है नॉर्वे में मिल पाना, बट हमारे देसी भाई तो कहीं भी भरे हैं. चल, आर यू कमिंग विद अस? आई डोंट थिंक सो नाउ. Oh, okay. Because we need to find something for go airport. Like taxi or something? I don't know. We have to rush. Yeah. That's true. Guys, we could talk to somebody like a. कुछ लोगों की ट्रेन छूट गई तो वो टॉर्प पहुंचने में उनको अब टाइम लग जाएगा. टैक्सी वैक्सी का इंतज़ाम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन चेक कर रहे थे. अभी तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देखते हैं कि 5-10 मिनट में क्या होता है. लेकिन सिचुएशन बहुत उनका टेंस्ड है. वो टर्की की पूरी टीम है, उन्हें 3 बजे निकलना है और ऑलमोस्ट 1:45 यहीं पर हो गए हैं. 1 घंटे उनको किसी तरीके से एयरपोर्ट तक पहुँचना, जो कि यहाँ से वो जाएंगे टॉर्प, वहाँ से एक एयरपोर्ट शटल पकड़ के उनको दोबारा टॉप एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा. वो मेरे से पूछ रहा था कि कुछ ऑप्शन अवेलेबल है क्या, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है. ट्रेन हर एक 1 घंटे पे है तो दिक्कत हो गई उनके लिए. मेरे फ्रेंड्स को फाइनली टैक्सी मिल गई है. आई यू हैव टू गो टू एयरपोर्ट टॉर्प. हमारे फ्रेंड्स तो निकल गए ऑस्लो टॉर्प एयरपोर्ट. मुझे खाना खाना है तो सामने एक बालकन कबाब शॉप का, जो कि अल्बेनिया साइड से कंट्रीज़ के लोग हैं और वहीं से बनाते हैं, नाम है उसका बालकन शॉप. मैं जा रहा हूँ वहीं पर, देखता हूँ कुछ कबाब वगैरह खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा. और मेरे साथ 2 फ्रेंड्स और जा रहे हैं. आई एम गोना शो यू जस्ट अ सेकंड. वी हैव टू वॉक लाइक 4 मिनट्स फ्रॉम हियर. जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बालकन रेस्टोरेंट, मैंने आपको नाम बताया. यहाँ पर एक्चुअली बालकन कंट्रीज़ के लोग बहुत भरे पड़े हैं, सर्बिया अल्बेनिया, तो इसके वजह से इस नेबरहुड में आपको बहुत सारे बालकन्स मिल जाएंगे. पहुँच गए हम रेस्टोरेंट. या इट्स ओपन. लेट्स गो बालकन्स. क्रोएशिया इज इन बालकन? या. व्हाट? या. योर गुडनेस. वाओ. खाना बहुत महंगा है यहाँ पर. यहाँ पर अभी कबाब लिया है मैंने 175 NOK का, और वो पड़ेगा टोटल आपका 1412 रुपये का एक कबाब. बहुत महंगाई है यहाँ पर नॉर्वे में. अगर किसी के पास पैसे ना हो तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है यहाँ पे सर्वाइव करना. लेकिन कोई बात नहीं है, चलो ये भी झेल लेते हैं और क्या. खाना आ गया हमारा. वाह, इट्स सो बिग. थैंक यू. नाउ इट मेक्स सेंस. ओके, दैट इज 15 यूरो का ये कबाब है आपका. खाना हमारा कंप्लीट हो गया. खा नहीं पाए तो हमने पैक करवा लिया इसको, एयरपोर्ट पे खा लूँगा मैं. ऐसे भी मेरे पास अभी करीब 7-8 घंटे बचे हुए हैं पोलैंड की फ़्लाइट के लिए, तो अभी है समय अपन के पास. चलिए वापस रेलवे स्टेशन चलते हैं जल्दी से, क्योंकि ट्रेन हमारी अगले 15 मिनट में आने वाली है, तो वो छूटे ना इसलिए भागना पड़ेगा. टिकट खरीद लेता हूँ मैं यहाँ से एयरपोर्ट स्टेशन जो कि है वहाँ तक का. ओके, गुड. यहाँ से लार्विक स्टेशन से लेकर के ये हमें शांद फोर्थ बोल करके स्टेशन है, जो कि एयरपोर्ट के पास का पड़ता है, वहाँ तक का टिकट मैंने लिया है और अगले 5 मिनट में ट्रेन आ जाएगी. ऑलरेडी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है और वो ट्रेन पहुँच भी गई. चलिए अब आपको मिलते हैं ऑस्लो टॉर्प एयरपोर्ट पर.
पहुंच गए हम यहाँ पर एयरपोर्ट स्टेशन तक। यहाँ से एक बस लेकर के एयरपोर्ट तक जाएंगे। मिलते हैं आपसे ओस्लो टॉर्प एयरपोर्ट पे। तब तक के लिए आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।